ना रटने की कोई टेंशन है ना है याद करने का डर। अब सब कुछ है ब्रेन में प्रैक्टिकल है ये यजू मंत्रा का असर। अब मैथ्स हो या कोई न्यूमेरिकल मैं झट से सॉल्व कर जाऊंगी क्योंकि मेरे पास है यजू मंत्रा मैं सक्सेसफुल बन है ना है याद करने का डर। अब सब कुछ है ब्रेन में प्रैक्टिकल है ये यजू मंत्रा का असर। अब मैथ्स हो या कोई न्यूमेरिकल मैं झट से सॉल्व कर जाऊंगी क्योंकि मेरे पास है यजू मंत्रा मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगी। यजू मंत्रा यजू मंत्रा यजू मंत्रा यजू मंत्रा। Good afternoon, everyone. Yes. Yes, yes. Good afternoon, everyone. We are back, फिर से with the poetries, आपकी first flight की book से, ठीक है? ग्रामर का मेंटी होने वाला है, मेंटी या तो किसी और फॉर्म में एमसीक्यूज होने वाले हैं, करेंगे हम। लेट अस बिगिन विद डस्ट ऑफ स्नो, आपके वेरी फर्स्ट चैप्टर द अ लेटर टू गॉड के साथ डस्ट ऑफ स्नो और द अदर पोइट्री फायर एंड आइस, दो पोइट्रीज हैं। बिगिनिंग विद डस्ट ऑफ स्नो, सबको पता है डस्ट ऑफ स्नो में पोएट है, एक क्रो है और एक पॉइजनस ट्री है, हेमलॉक ट्री। ओके, तो पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ कैन मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। डू यू अग्री और डिसअग्री विद रेफरेंस टू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, एक्सप्रेस योर व्यूज। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना लाइफ में मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है टूवर्ड्स थिंग्स, टूवर्ड्स सिचुएशंस, टूवर्ड इंसिडेंट्स, तो आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हो, इट कैन लीड टू अ गुड लाइफ। ठीक है, तो क्या आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हो या यू डिसअग्री विद दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, एक्सप्रेस योर व्यूज। नाउ अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हाट यू शुड बी डूइंग, यस यस, लास्य प्रिय नारापराज Naraparaju. Yes. According to the poem, you should be agreeing with this question. I agree. Positive attitude means positive mind. Yes. According to the poem, you should be agreeing with this statement. I completely agree with the statement that a positive attitude can make the world a better place to live in. Robert Frost in Dust of Snow talks of how an otherwise bad day altered into a not so bad one due to the action of a crow. In this poetry, Robert Frost, देखो आप ऐसे नाम add कर सकते हो, Robert Frost in Dust of Snow, Robert Frost in Fire and Ice, okay? Talks of how an otherwise bad day altered into a not so bad one due to the action of a crow. हमने उस poetry के through क्या जाना कि author का poet का bad day चल रहा था, but it changed, it altered into a not so bad one only with the help of that crow, only with the action of that crow. It was a seemingly disconnected occurrence that brought about a change of mood in the poet.
वहां पे जो इंसिडेंट हुआ पोएट के साथ. ओके अंडरस्टूड, वेरी गुड. इट ब्रॉट अ चेंज ऑफ मूड इन हिम. ओके, वन लेसन दैट कैन बी लर्नड फ्रॉम द पोएम इज टू सी द ब्राइटनेस अमंग्स द ग्लूम. अमंग्स द ग्लूम, ग्लूम इज द सैडनेस. एक लेसन जो हमको इस पोएम से मिलता है वो ये है कि आपको ब्राइटनेस देखनी चाहिए अमिड्स द ग्लूम. जिस आप जो भी दुख में हो, जो भी तकलीफ में हो, जो भी आपके आसपास का कुछ नेगेटिविटी है, उसमें कुछ आप पॉजिटिव ढूंढो. आप उसमें कुछ पॉजिटिविटी, आपको कहीं ना कहीं तो कुछ मिल जाएगी. एंड विद दैट यू कैन लीड अ पॉजिटिव डे और अ पॉजिटिव लाइफ. द क्रो, द हेमलॉक tree and the snow are all dark images, and yet the poet sees the color of happiness. Up through this poetry, what we come to know ki is poetry mein crow hai, hemlock tree hai, theek hai, crow aur hemlock tree. Hemlock tree is a poisonous tree. Crow is a sign of bad omen, ill omen, negativity. To क्या मानना जाता है, ये सब नेगेटिव्स है. बट ये नेगेटिव्स भी कैसे पोएट के लाइफ में इसने कलर ऑफ हैप्पीनेस लाया, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ओन थॉट्स. किसी ने उससे कहा नहीं. अनदर लेसन इज दैट लाइफ इज मेड अप ऑफ स्मॉल जॉयज. इट इज थ्रू देम दैट वन कैन ऑलवेज मैनेज टू सी पॉजिटिविटी इन नेगेटिविटी. दूसरा लेसन ये हो सकता है कि हमारी लाइफ छोटी छोटी खुशियों से बनी हुई है. ये खुशियां आप कैसे हासिल कर सकते हो, कुछ नेगेटिव सिचुएशंस में ट्राई टू फाइंड आउट दैट पॉजिटिविटी, ट्राई टू फाइंड दैट ब्राइट लाइट ऑफ हैप्पीनेस. ओके, देयर वाज सम क्वेश्चन हियर. एनालिटिकल पैराग्राफ में सब्जेक्ट कहाँ लिखना है वंश? एनालिटिकल पैराग्राफ में सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, लेटर में सब्जेक्ट लिखते हैं. ओके ओके ओके, जल्दी करेंगे. एज अ क्रो यू फील हाईली इंसल्टेड बाय द इनकरेक्ट परसेप्शंस ह्यूमंस हैव अबाउट योर स्पीशीज. Imagine yourself to be a crow and write your opinion about this prejudice. Make an appeal for breaking stereotypes. Abhi aapko imagine karna hai that you are the crow from this dust of snow, aur aap bahut zyada insulted feel karte ho logo ki incorrect opinion, incorrect perception ko leke about their species, about your species, about you being a crow. Okay. अभी आपको इमेजिन करना है कि आप क्रो हो और अपनी ओपिनियन इस प्रेजुडाइज के अगेंस्ट, इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लिखनी है और एक अपील बनानी है कि ऐसे स्टीरियोटाइप्स को खत्म करो. द वर्ड क्रो इज ऑफन रिलेटेड टू बैड ओमेंस. यू स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग अबाउट द वर्ड कि ये जो वर्ड है क्रो, इट इज ऑफन रिलेटेड टू बैड ओमेंस एंड इन ऑस्पिशियसनेस. दिस स्टीरियोटाइप टूवर्ड्स आवर स्पीशीज इज हार्ट ब्रेकिंग. You are a crow and you are talking about yourself, that this stereotype towards our species is very heartbreaking. It's very heartaching. I feel hopeless that without even having any valid evidence to it, people refer to us as being ominous. ठीक है, मेरे को ये सोच के बहुत खराब लगता है, बहुत होपलेस फील होता है कि कोई वैलिड एविडेंस नहीं होने के बाद भी लोग हमको बुरा मानते हैं. ठीक है, बैड लक मानते हैं. इनऑस्पिशियस इज अपशगुन, टेक्निकल माही. इट्स समथिंग नेगेटिव, अपशगुन. हम बोलते हैं ना यार ऐसा करना अपशगुन होता है. इनऑस्पिशियस, इट्स इनऑस्पिशियस. ठीक है, परहैप्स बिकॉज वी आर ब्लैक. शायद, अब देखो क्रो अपने तरफ से कुछ अजम्पशंस रख रहे हैं, शायद हम ऐसे हैं इसलिए. परहैप्स वी आर ब्लैक. People consider us inauspicious and doves are considered good omen, maybe because they are white. देखो कितना अच्छा comparison है, because the crow is saying कि शायद हम black color के होते हैं इसीलिए हमको inauspicious माना जाता है, और doves जो white color के होते हैं उनको good omen माना जाता है, उनको sign, symbol of peace माना जाता है. You can also add symbol of peace.
दिस रूथलेस प्रेजुडाइज मेक्स मी इमोशनली हर्ट. ये जो रूथलेस प्रेजुडाइज है, ये जो बिल्कुल थॉटलेस लोगों की सोच है अबाउट अस, अबाउट आर स्पीशीज, अबाउट क्रोज, मेक्स मी इमोशनली हर्ट. आई वॉन्ट टू ब्रेक दिस स्टीरियोटाइप फॉर ऑल माई फेलो क्रोज टू, इन द सेम वे माई फ्रेंड डिड बाई चेंजिंग अ पर्सन्स मूड. फिर आप अपने आप अपना एक अपील रख रहे हो सामने कि मैं इस स्टीरियोटाइप को खत्म करने की उम्मीद रखता हूँ आप लोगों से, और मेरे बाकी जो क्रोज है, माई फेलो क्रोज, मेरे जैसे दूसरे जो क्रोज है उनके लिए भी जो ये धारणा है इसको आप खत्म कर दो, जिस तरीके से मेरे फ्रेंड ने एक पर्सन का किया था बाय चेंजिंग हिज मूड एंड मेकिंग हिम हैप्पी. सी, वी आर केपेबल ऑफ डूइंग दिस ऑल्सो. वन ऑफ माई फ्रेंड क्रो, उसने वॉट ही डिड, ही चेंज अ पर्सन मूड एंड मेड हिम हैप्पी. आई होप दैट वन डे जजमेंटल ह्यूमंस विल रियलाइज दैट वॉट दे थिंक ऑफ अस इज कम्प्लीटली रॉन्ग. एंड आई होप वन डे ये चीज जरूर खत्म हो जाएगी कि जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको रियलाइज हो जाएगा दैट दे आर कम्प्लीटली रॉन्ग. आर एटीट्यूड टूवर्ड्स अ सिचुएशन evokes both negative and positive response. Analyze this with reference to the poem Dust of Snow to bring out the inherent valuable lessons. Hamara, now this question is about hamara attitude aise situations ki taraf dono feeling la sakta tha, poet ko aaya positive response, but our attitude towards a situation evokes किसी भी सिचुएशन को हो, एनी पर्टिकुलर सिचुएशन, हमारा एटीट्यूड, हम कभी उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, कभी उसको नेगेटिवली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं ऑन अ सेम सिचुएशन. ठीक है, इस स्टेटमेंट को एनालाइज करना है विद रेफरेंस टू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, इसमें से इनहेरेंट वैल्यूएबल लेसंस निकालने के लिए, जो लेसन हमको इस पोएट्री में से मिला है उन लेसंस को समझने के लिए. Whatever situation life throws at us, it evokes both positive and negative responses. कोई भी situation हमारी life में हमारे सामने हो, हमारी तरफ से दोनों तरह के responses आ सकते हैं, positive and negative. The poet in the poem Dust of Snow was in a sorrowful mood. अब in this poetry Dust of Snow, जो poet थे वो already एक sorrowful mood में थे, वो एक already sad mood में थे. However, when a crow shook down the dust of snow in him, his bitter mood changed into more optimistic one. जब उनके साथ एक incident हुआ, he was standing under a tree, और जब उस tree पे snow थी बहुत सारी, and when a crow sat on it, and because of the crow, some dust of snow dropped on the poet. उसकी वजह से क्या हुआ? He changed, it just changed his mood into a more optimistic one, into a more positive one. Now being in a sorrowful or bad mood already, the poet have got angry at the crow also. Could have got angry. अब देखो, इस सिचुएशन में अगर पोएट दूसरी तरह से रिस्पॉन्ड करता है, अगर वो इस सिचुएशन में पहले से उनका दिन बहुत सोरोफुल था, बहुत बैड मूड रहा था उनका, तो पोएट इस सिचुएशन में वैसा ही रिस्पॉन्ड कर सकते थे. वो गुस्सा हो सकते थे, वो नाराज हो सकते थे, वो क्रो को कर्स कर सकते थे, ऐसा कुछ हो सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ. ही टुक इट इन अ पॉजिटिव वे. ठीक है, हाउएवर द डस्ट ऑफ स्नो बिकम्स अ पॉजिटिव मीडियम ऑफ चेंज फॉर हिम. That dust of snow, that dust which the crow drops in him, that becomes a positive medium of change for him. It made him cheerful to some extent and helped him forget his sadness at least for a few moments. उस एक छोटे से incidents ने उनके अंदर का जो gloomy day था, उनका जो वो day अभी तक का gloomy गया है, अभी तक का जो day sad गया है, उसको change कर दिया into a cheerful one और उनकी sadness को भुला दिया भले कुछ समय के लिए, लेकिन इट हैपेंड दैट पॉजिटिव, इट केम विद अ पॉजिटिव नोट कि पोएट ने उस इंसिडेंट पे एक पोएट्री भी लिख दी. ओके, दस वी सी दैट इंस्टेड ऑफ सीइंग द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ अ हैपनिंग, वन शुड सी द पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड वंस रिस्पॉन्स मे ग्रेटली अफेक्ट द आउटकम ऑफ इंसिडेंट्स. इसीलिए इस किसी भी चीज को एक नेगेटिव नजरिए से देखने की जगह आप
उसको पॉजिटिव नजरिए से देखो और आपका रिस्पॉन्स आपका दिन को या आप उस इंसिडेंट को कितना ग्रेटली अफेक्ट करता है, इस चीज को आप रियलाइज करना। ओके, नेक्स्ट इज फायर एंड आइस, अगेन बाय द सेम पोएट। डिस्कस हाउ एक्सट्रीम बिहेवियर कैन हेस्टन द एंड ऑफ द वर्ल्ड विद रिस्पेक्ट टू फायर एंड आइस। कैसे लोगों का एक्सट्रीम बिहेवियर अर्थ का, वर्ल्ड का एंड कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू फायर एंड आइस। ओके, सो इन दिस पोएट्री फायर और आइस दोनों सिंबल्स हैं ऑफ सम डिफरेंट फीचर्स। ठीक है, फायर सिंबलाइजेस डिजायर एंड आइस सिंबलाइजेस हेट्रेड। फायर किसको सिंबलाइज कर रहा है? डिजायर को। अगर आपको एक सिंपल सरल शब्द में बताना है तो फायर सिंबलाइजेस डिजायर एंड आइस सिंबलाइजेस हेट्रेड। डिजायर इज अ काइंड ऑफ इंटेंस लव और वांट दैट फोकसेस पीपल ऑन गेटिंग एंड पोजेसिंग एंड एक्वायरिंग। डिजायर क्या है? एक ऐसा इंटेंस लव है कि मेरे को अब ये चाहिए था, नाउ आई हैव दिस, नाउ आई डिजायर फॉर दिस, अब मुझे ये हासिल हो गया, नाउ आई वॉन्ट दिस, नाउ आई वॉन्ट टू पोजेस दिस, नाउ आई वॉन्ट टू एक्वायर दिस। ठीक है, आवर सोसाइटी इज फुल ऑफ पीपल हु स्पेंड देयर लाइव्स वर्किंग टू गेट अ बिगर एंड बेटर टीवी। हमारी सोसाइटी ऐसी है जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग टीवी भी अच्छी है, लेकिन दे वर्क हार्डर एंड हार्डर फॉर अ मोर बेटर टीवी। ठीक है, फॉर अ बिगर एंड बेटर टीवी, अ मोर स्टाइलिश कार और अ मोर एक्स्ट्रावेगेंट हाउस। This kind of desire can lead people to destruction in the form of bankruptcy or even broken relationships. इस तरह की desire से क्या होता है? एक दिन आप अगर हमेशा ऐसे unsatisfied रहोगे, you know about Matilda, what happens to her? ठीक है? तो एक ना एक दिन आप कहीं ना कहीं तो जाके फंस जाओगे। Frost poem speaks on the issue of greed corrupting people and even society. This poetry speaks about people's greed. Desire क्या है? लोगों की greed है, ये हो गया, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, लालच खत्म नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से लोग corrupt होते जा रहे हैं और society धीरे धीरे corrupted society में बदलती जा रही है। The power of hate which is symbolized by eyes is just as great as desire. वैसे ही जो power of hate है, जिसको eyes ने symbolize किया है, eyes symbolizes hatred. ठीक है, कोल्ड फीलिंग्स रहना किसी के लिए, व्हाट इट मींस, किसी के लिए हेट्रेड अपने अंदर रखना। ठीक है, तो कोल्ड इज व्हाट? आइस, दैट इज व्हाई इट इज आइस। आइस को हेट्रेड से सिंबलाइज किया है। ठीक है, तो आइस इज एज जस्ट एज ग्रेट एज डिजायर। आइस भी बिल्कुल उतना ही ग्रेट है, उतना ही ह्यूज है जैसा डिजायर है। जैसे फायर से, जैसे डिजायर से वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, वैसे ही आइस से, वैसे ही लोगों की हेट्रेड से वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। व्हाइल डिजायर कंज्यूम्स क्विकली, हेट प्रोड्यूसेस शाय येट रिस्ट्रेंड डिवास्टेशन। अब डिजायर जो है वो लोगों को क्विकली खत्म कर सकता है, लोगों को क्विकली डिस्ट्रॉय कर सकता है। हेट प्रोड्यूसेस शाय, हेट्रेड का थोड़ा सा स्लो है मामला, बट येट इन अ रिस्ट्रेंड डिवास्टेशन। उसका एंड कैसे होगा? डिवास्टेशन में भी होगा। फॉर इंस्टेंस, केट इज द रूट कॉज ऑफ रेसिज्म एंड वॉर। इट कैन लिंगर इन पीपल्स माइंड फॉर लाइफ टाइम्स। मोर ओवर, इट कंज्यूम्स द हेट इवन मोर एंड द पर्सन हेटेड, इट डज रूइंस लाइव्स। ओके, एक एग्जाम्पल भी दे दिया है। यस, जरेक्स दे सकते हो आप दूसरे चैप्टर का रेलेवेंस दे सकते हो। ओके, माय वॉइस इज लो। मैं इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ, हाउ कैन द वॉइस बी लो यार।
नो, इसमें 6 और 3 मार्क्स दोनों के मिक्स्ड हैं। हाउ विल द वर्ल्ड एंड? सपोर्ट योर आंसर विद साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। हाउ विल द वर्ल्ड एंड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड कैसे एंड होगा? हमने पोएट के देखे हैं सजेशंस। ही सेज दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, बट फायर इज एज गुड एज आइस टू एंड द वर्ल्ड। ठीक है, यस, वॉइस इज परफेक्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट द टू रीजंस फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड विल बी आइदर फायरी कोर और द आइस एज। आइदर विथ फायर और विथ आइस। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट द वर्ल्ड वुड बी इंसिनरेटेड फ्रॉम इट्स फायरी कोर, वाइल अदर्स वर कन्विंस दैट कमिंग आइस एज वुड डिस्ट्रॉय ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ्स सर्फेस। वट डू यू ऑल थिंक? ठीक है, आपको क्या लगता है? हमने अकॉर्डिंग टू द पोइट्री यहाँ देख रहे हैं, पोइट्री के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट बिलीव दैट द वर्ल्ड वुड बी इंसिनरेटेड विथ फायरी कोर। आपको पता है हमारे अर्थ में डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स है, डिफरेंट कोर्स है, तो जो कोर है इट इज ऑफ फायर। वहीं दूसरे कुछ साइंटिस्ट हैं जो इस बात से कन्विंस्ड हैं कि जो कमिंग आइस एज है उससे हमारा अर्थ विल गेट डिस्ट्रॉयड। ऑन द अर्थ सर्फेस एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड। इन अदर वर्ड्स, ईदर द डीप हीट और फायर अंडर द अर्थ बेड्स विल लीड टू नेचुरल कैलामिटीज लाइक वॉल्केनो इरप्शंस, अर्थक्वेक्स एंड सुनामीज। सुनामी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ आइस। फायर अकॉर्डिंग टू साइंस एंड आइस इज ऑल्सो सफिशियंट टू ब्रिंग डिवास्टेशन। सुपरनोवा एक्सप्लोजन, एलियन इन्वेजन, द फ्लिपिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, आइस एज, एंड द वर्ल्ड और द मेल्टिंग ऑफ आइस फ्रॉम द स्नोई माउंटेन्स ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग विल श्रिंक द वर्ल्ड। एज अ रिजल्ट वन डे द एंटायर वर्ल्ड विल डाई ऑफ द आइसी वाटर। फ्रॉस्ट दस ट्राइज टू वॉर्न पीपल अगेंस्ट द टू ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमैनिटी एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ह्यूमन वाइसेज विद एन इंक्रीज्ड इफेक्टिवनेस। ओके, पोएट विद द हेल्प ऑफ दिस पोइट्री इज ट्राइंग टू कन्वे अ मैसेज कि लोग जो अपनी डिजायर्स और अपने हेट्रेड अपने अंदर जो रखते हैं इन सब को थोड़ा सेक्रीफाइस कर देना चाहिए। पीपल शुड, जैसे इफ वी टॉक अबाउट थिंग्स विच हार्म द नेचर, विच हार्म द एनवायरमेंट, वी डिजायर अप फॉर इज एयर कंडीशनर। हम एसी हमें चाहिए, एयर कंडीशनर्स चाहिए, एंड आज सबके पास एयर कंडीशनर है। एक एक घर में कितने सारे एसीज होते हैं, विच इज डायरेक्टली कॉजिंग हार्म टू आर एनवायरमेंट, विच विल वन डे एंड द अर्थ, है ना, वर्ल्ड इस अर्थ को खत्म कर देगा जस्ट बिकॉज ऑफ डिजायर, दैट इज फायर। फायर से क्या होगा, एंड हो जाएगा। वैसे ही आइस है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ओके, एंड विद दैट हीट इज गोइंग अप, गर्मी बढ़ती जा रही है। द स्नोई माउंटेन्स विल मेल्ट एंड इट विल रिजल्ट इन वॉटर एवरीवेयर। ओके, नेक्स्ट। यस, कबीर चोपड़ा, इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन फॉर इंस्टेंस हियर कैन वी क्रिएट वॉटर साइंटिस्ट थिंग्स? यस यू कैन। हाउ विल द वर्ल्ड एंड? सपोर्ट योर आंसर विद अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। ओके, ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सेम है। नेक्स्ट, अ टाइगर इन द जू। लव फॉर फ्रीडम इज द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग। कमेंट इन कॉन्टेक्स्ट विद अ टाइगर इन द जू। Love for freedom is natural for instinct for every human being. It is rightly said that love for freedom is the natural instinct for every human being, living being, because yahan living being hai because it is about tiger. Human hota to matlab it could be about humans. Okay.
So it is rightly said that love for freedom is the natural instinct of every living being. Everyone loves freedom and does not want to live in confinement. Everyone, whether a human or a creature, everyone wants freedom and no one wants to live in confinement. Similarly, jo poetry mein tiger hai, also longed for freedom. The tiger in this poetry also longs for freedom. He was so fed up being caged that he even ignored the visitors. We all know ki jab wo cage mein hai, visitors aate hain, he just ignores the visitors, doesn't look at the visitors, doesn't entertain the visitors, aur bas apne aap mein hi rehta hai, walking the length of his cage. है ना, तो वो इतना फेड अप है केज में रहते हुए कि वो विजिटर्स को भी इग्नोर करता है. ही टुक टू एंड फ्रो स्टेप्स इन द केज एज इफ ट्राइंग टू व्हाइल अवे द टाइम. बस अपने केज में यहाँ वहाँ टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ चलते रहता है जस्ट टू पास द टाइम. द टाइगर वॉन्टेड टू एस्केप दिस कैप्टिविटी. In this poem, the tiger wants to escape this cage, this captivity. God has made all living beings equally and thus the animals to have the right to freedom. God ne sabko equally banaya hai aur sabka right hai to get the basic freedom. Hai na? Right to freedom. Basic right. Right to freedom. They should not be caged. No one should be caged. It is their right to enjoy their natural habitat, that is the forest, and run freely in the wild. It is this tiger's right also to be in its natural habitat in the forest and run freely in the forest. We should thus respect their freedom and should not put them in the zoo. Okay, the tiger had been closed in a cage opposing its rights to live freely. The tiger was so angry that he also did ignore the visitors. Earth gives every creature a chance to exit. The tiger is confined to its cage where it can hunt for its food and move freely. Yes. और वहीं अगर वो फॉरेस्ट में होता तो वो क्या कर रहा होता, किसी वाटर होल के पास लॉन्ग ग्रास के पीछे अपने आप को हाइड करके. दैट टाइगर मस्ट हैव बीन प्रिपेयरिंग इट सेल्फ टू हंट. है ना, टाइगर इन द पोएम a tiger in the zoo presents a contrasting image with the tiger in the poem How to Tell Wild Animals. Compare and contrast two tigers with reference to the manner in which they have been presented in both poems. Now tiger in the zoo mein jo tiger hai usko aapko compare karna hai with the tiger from How to Tell Wild Animals. And you have to compare and contrast. Compare भी करना है और differentiate भी करना है, दोनों में differences भी बताना है in both these tigers कि कैसे वो अपने अपने poetries में present हुए हैं. A tiger in the tiger in this poem, a tiger in the zoo is an enslaved animal held in captivity. So the very first difference is that कि यहाँ पे in this poetry a tiger in the zoo, यहाँ जो tiger है वो cage में confined tiger है, वो एक enslaved animal है. Here in this poetry, in the zoo his movements and instincts are restricted. Zoo में उसके movements और उसके every movement is restricted. Although he is a mighty beast, he remains silent in the zoo as he is totally hopeless. भले ही वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बीस्ट है, वो चाहे तो एक आदमी के टुकड़े कर सकता है, बट ही इज साइलेंट इन द जू क्योंकि वो पूरी तरह से होपलेस है एंड सैड एट द फैक्ट दैट हिज फ्रीडम हैज बीन टेकन अवे बाय पीपल. एंड ही इज वेरी सैड एट द फैक्ट दैट लोगों ने उसकी आज़ादी उससे छीन ली है. ही इज अनॉयड एट बींग द ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्प्ले फॉर द विजिटर्स एट जू. ही इज ऑल्सो वेरी एंग्री कि मैं एक बस डिस्प्ले का ऑब्जेक्ट बन चुका है, शो पीस बन चुका हूँ फॉर द विजिटर्स हु कम एट द जू. द टाइगर इन द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. नाउ वी कम टू द अदर पोएट्री हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. वहां पे जो टाइगर है इज अ रॉयल बंगाल टाइगर, दैट इज एन एनिमल ऑफ फ्री विल. वहां पे जो टाइगर है वो एक रॉयल बंगाल टाइगर है जो एक एनिमल है अपने नेचुरल हैबिटेट में. On its free will, his movements and instincts aren't restricted in any way.
किसी भी तरह से इस टाइगर के इन दिस पोएट्री मूवमेंट्स एंड इंस्टिंक्ट्स आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड. ही इज अ फेरोशियस बीस्ट हु सेल्डम कीप साइलेंट. इन दिस पोएट्री जो बीस्ट है, जो टाइगर है, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बीस्ट है जो बहुत यूजुअली अपने आप को शांत रखता है एंड हैज द लिबर्टी टू अटैक और पाउंस अपॉन हिज प्रे एंड ही हैज ऑल द फ्रीडम टू अटैक और पाउंस टू जम्प ऑन हिज प्रे इन द जंगल. ही किल्स एवरीबडी हु कम्स हिज वे. उसके रास्ते में जो भी आएगा वो उसको मार देगा. एंड द वे ही किल्स यू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स में क्या है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स में अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स का डिस्क्रिप्शन है, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस एनिमल. द वे ही किल्स यू इफ यू कम इन फ्रंट ऑफ दिस एनिमल, इफ ही टेयर्स यू ओपन विथ इट्स जॉ, है ना. ओके, इज इट राइट टू कन्फाइन वाइल्ड एनिमल्स इन टू केजेस, वाई और वाई नॉट. But a tiger in the zoo shows both images of a tiger, one in captivity and two a free tiger. Yes, but we are talking mainly about tiger in the zoo. वो tiger जिसको अपने natural habitat में, कबीर चोपड़ा वो poetry में ऐसे ही है कि free होता तो क्या करता, एक plump deer के शिकार में बैठा होता near the water hole. But actually what the condition of that tiger is? That tiger is in the zoo. ठीक है. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट के टी एम लवर्स, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट अगर आप याद रख सकते हो, आप उतना कर सकते हो तो करो एंड एड इट इन योर आंसर. यस यस. सो इज इट राइट टू कन्फाइन वाइल्ड एनिमल्स इन टू केजेस, वाई और वाई नॉट? नो, बिकॉज इट रेस्ट्रिक्ट्स द फ्रीडम ऑफ एनिमल्स. यस. Okay, wild animals are meant to live in the wild. They are not meant to be caged and displayed in the zoos. We all know that the majestic species of tiger is on the verge of extinction. हमको ये पता है कि ये जो species of tiger है, ये already is on the verge of extinction. There used to be a time when they used to roam proudly and freely in the jungle. ज़रूर एक ऐसा टाइम था जब दीज टाइगर्स यूज टू रोम प्राउडली एंड फ्रीली इन द जंगल विदाउट एनी फियर. ठीक है. इट टेक्स अवे द बेसिक राइट ऑफ लाइफ. यस, नेचुरल लाइफ विच इज परफेक्ट टू इट. दे आर नॉट मेंट टू लिव इन अ लाइफ लिव अ लाइफ इन कन्फाइनमेंट. दे ऑल्सो हैव द राइट टू फ्रीडम लाइक ऑल अदर लिविंग बींग्स. कन्फाइनमेंट लीड्स टू डिप्रेशन एंड मिजरी. मोर ओवर देयर ऑफ स्प्रिंग्स लूज द हंटिंग केपेबिलिटीज एज दे आर नॉट ट्रेंड टू हंट इन द वाइल्ड. ट्रेंड क्या? इट्स देयर नेचुरल इंस्टिंक्ट. वेन दे आर इन द वाइल्ड हंटिंग कम्स नेचुरली टू दैम, बट वेन दे आर कन्फाइंड दे डू नॉट नो टू हंट, दे देमसेल्व्स बिकम द प्रे. ठीक है. Furthermore, confining wild animals disturbs the whole ecological balance. Uske saath saath, this is also very important to note down that confining wild animals disturbs the whole ecological balance. We should thus let the animals run free in the wild. They belong to the forest and not to the cage. Next is the ball poem. Elaborate the idea that one should learn to accept and let go and not stick to something that we cannot have. In this poetry, the poet sees a boy जो अपनी बॉल को खो देता है in the water. ठीक है, पानी में उस बॉय की बॉल चली जाती है and the boy poet just stands away and sees, notices what is happening with the boy, what the boy is feeling, what that thing is. ठीक है. इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वन टू एक्सपीरियंस टू एक्सेप्ट द लॉस. अभी आपको इस बात को इलेबरेट करना है, इस बात को एक्सप्लेन करना है दैट वन शुड लर्न टू एक्सेप्ट एंड लेट गो एंड नॉट स्टिक टू समथिंग दैट वी कैन नॉट हैव. आपको इस बात को और इलेबरेट करना है कि ये जो आइडिया है, ये जो थॉट है कि एक आदमी को ये चीज़ समझ लेना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए और
जाने देना चाहिए वो सारी चीजों को जो वो नहीं हासिल कर सकते. अब जैसे इन दिस पोइट्री, दिस बॉय न्यू कि वो उस बॉल को अब हासिल नहीं कर सकता जो बॉल ऑलरेडी पानी में जा चुका है. सो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वन टू एक्सपीरियंस, टू एक्सेप्ट द लॉस एंड बी बोल्ड एंड गेट ऑन विद लाइफ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने बुद्धा के लेसन से भी यही समझा है, जो भी हमारे पास है उसके साथ खुश रहो. एवरी वन टू एक्सपीरियंस, जो भी चला गया है उसे जाने दो. बी बोल्ड, बी स्ट्रांग एंड गेट ऑन विद लाइफ, मूव ऑन विद लाइफ. स्टेइंग स्ट्रांग इज द ओनली वे टू सर्वाइव. ओनली वे टू सर्वाइव, ओनली वे टू परफॉर्म इज स्टेइंग स्ट्रांग. आपके लिए भी वही अभी एक इंपॉर्टेंट लाइन हो सकती है, इंपॉर्टेंट मैसेज. स्टे स्ट्रांग इज द ओनली वे टू सर्वाइव. वन शुड अंडरस्टैंड दैट द पास्ट इज गॉन एंड विल नेवर कम बैक. अगर आपकी कोई चीज़ खो गई है, आप उस चीज़ को अभी तक दिल में लेके बैठे हुए हो, तो आपको ये समझना चाहिए कि वो जा चुका है, अब वो पास्ट का हिस्सा बन चुका है और वो कभी अब लौट के आने वाला नहीं है. समटाइम्स लॉस हेल्प्स अस टू ग्रो अप एंड वी आर एबल टू फेस हार्डशिप्स. कभी कभी लॉस हमें ग्रो करने की मौका देता है और हमें मुश्किल समय को फेस करने की हिम्मत देता है. वी ऑल्सो लर्न टू एक्सेप्ट एंड लेट गो एंड डू नॉट स्टिक टू समथिंग विच वी कैन नॉट हैव. उसके अलावा हमें और एक चीज़ समझ में आती है, वो ये है कि हमें हर चीज़ से अपना दिल लगा नहीं लेना चाहिए, लगाव कर लेना नहीं चाहिए. ओके, यहाँ पे भी इस पोइट्री में यही था. इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट लेसन फॉर द बॉय कि वो बॉल चली गई, वो उसके लाइफ में आगे नहीं, वहीं तक उन दोनों का साथ था. भले ही अब उस बॉल के साथ जितनी भी मेमरीज थी वो चली गई है. दैट बॉय कैन नॉट डू एनी थिंग नाउ. दैट लेसन ही हैड टू हैव दैट टाइम. The poem deals with a child understanding loss for the first time. In the poem, यहाँ पे जो boy है वो loss को अपने life में पहली बार experience कर रहा था, understand कर रहा था, समझ रहा था. Matches and championships too deal with a different sense of loss. अब कुछ matches होती है, कुछ championships होती है, competitions होते हैं, वहाँ पे भी एक sense of loss होता है when you lose. जब आप हार जाते हो. एक्सप्लेन हाउ गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर अ गुड वे टू ट्रेन चिल्ड्रन टू टेक लॉसेस इन देयर स्ट्राइड. अब कैसे गेम्स और स्पोर्ट्स एक अच्छा तरीका हो सकता है बच्चों को ट्रेन करने के लिए कि लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीखें बच्चे, हार को अपनाना सीखें बच्चे. स्पोर्ट्स आर एन अमेजिंग वे. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान देना. Sports are an amazing way to teach children how to accept the losses and failures in life. Life is full of inevitable happenings, losses and failures. Sports एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है बच्चों को losses और failures के बारे में समझाना. Sports सबसे अच्छा तरीका है. Life is full of inevitable happenings. ऐसे happenings जिन पे किसी का कोई control नहीं है. ओके, इन द सेम वे गेम्स और स्पोर्ट्स भी ऐसे ही सर्टेनिटीज और लॉस से भरे हुए होते हैं. यू नेवर नो, एक मोमेंट में आपको लगेगा आप जीत रहे हो लेकिन अगले मोमेंट में आपको पता चला आप हार गए. अ प्लेयर में विन अ टूर्नामेंट वन डे एंड लूज इट द अदर डे. हाउएवर नो स्ट्रांग प्लेयर में एवर स्टॉप प्लेइंग ड्यू टू हिज हर फेलियर इन द मैच. अभी आप आज एक आपने टूर्नामेंट किया, आप जीते हो, आप नेक्स्ट टाइम कोई टूर्नामेंट कर रहे हो, आप उसमें हार गए, लेकिन फिर भी जो एक स्ट्रांग प्लेयर होता है वो इस हार और जीत से रुकता नहीं है. उसकी जो फेलियर है इन द मैच वो उसको रोक सकती नहीं है. सो बी स्ट्रांग, बी स्पोर्टी एंड यू विल मूव ऑन. आप हार को भी अपनाओगे एंड यू विल एक्सेप्ट the truth of life. He will definitely take advantage of his failure to learn his shortcomings and work even harder for the next tournament. Just like Richard Ebright. Richard Ebright ka bhi aisi tha na, wo haar maan gaye the. Haar nahi maane the actually, unhone first time jab fair mein enter kiya उसके बाद वो हार माने नहीं, वो फर्स्ट टाइम फेल हुए. ही अंडरस्टूड व्हाई ही फेल्ड एंड सेकेंड टाइम ही वर्क्ड बेटर ऑन इट एंड सेकेंड टाइम ही वन. ठीक है, दैट इज द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट.
ठीक है. इन द सेम वे व्हेन अ लॉस ऑफ बिलव्ड पोजेशन टेक्स प्लेस इन लाइफ अ पर्सन शुडंट ब्रिंग हिज और हर लाइफ टू अ स्टैंड स्टिल. वैसे ही कोई अगर आपकी बिलव्ड पोजेशन है, कोई मटेरियलिस्टिक चीज है, अगर वो आपने खो दी है, तो आपको उसकी याद में अपने आप को दुख या तकलीफ पहुंचानी नहीं चाहिए. ही शुड एक्सेप्ट हिज लॉस ब्रेवली एंड मूव ऑन इन लाइफ. यू शुड बी एक्सेप्टिंग योर लॉस ब्रेवली और अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उस दुख को लेके बैठे रहना चाहिए. हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. State in your own words the humor which lies in the poem. Now, how to tell wild animals? ये भी एक humor poem है. The poet Carolyn Wells creates humor by describing different wild animals. The poet explains the different characteristics of different animals in a very funny and interesting manner. There will be bigger losses in life, and it helps us prepare for it. Moving on is the most important part of growing up in life. Yes, Ranesh Gupta, very good. ओके, सो द पोएट कैरोलिन वेल्स ये क्या कर रही है थ्रू दिस पोएट्री. शी इज क्रिएटिंग ह्यूमर बाय डिस्क्राइबिंग डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स. ठीक है, अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स को डिस्क्राइब कर रही है. द वे शी डिस्क्राइब्स दैट इज ह्यूमरस. ठीक है, द पोएट एक्सप्लेन्स द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स इन अ वेरी फनी एंड इंटरेस्टिंग मैनर. डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही फनी और इंटरेस्टिंग मैनर में वो डिस्प्ले कर रही हैं. द पोएट्स लैंग्वेज रिफ्रेशेस द रीडर्स मूड एंड मेक्स हिम हैप्पी. पोएट का लैंग्वेज रिफ्रेश कर देता है रीडर का मूड. हमारा वी आर द रीडर्स, हमारा मूड थोड़ा चेंज हो जाता है बिकॉज द वे शी इज एक्सप्लेनिंग हाउ यू कैन आइडेंटिफाई एन एनिमल, द वे द एनिमल विल ट्राई टू किल एंड ईट यू अप. That is the main crux of the whole poetry. How the animal will try to kill and eat you up. उससे you can identify which animal that is. लेकिन क्या आप उसको बताने के लिए जिंदा रहोगे? नहीं, तब तक तो आपको वो animal खा चुका होगा. ठीक है. Humor in the poem is the best medicine for every ailment in life. Humor increases our energy and decreases our pain. Thus the poem is fully a vitalizer. This poem, How to Tell Wild Animals, is fully a vitalizer. ऑल्दो का यूज कहाँ होता है? भले ही, ऑल्दो इज भले ही. ऑल्दो यू नो दिस इज राइट बट डूइंग दिस इज बेटर. भले ही आपको पता है कि ऐसा करना है बट इससे भी बेटर होगा कि आप ये करो. ऑल्दो, ओके. Connect sermon at Banaras to ball poem, then what to write? You can tell about the loss, about the lesson behind losses. क्या lesson हो सकता है loss के पीछे? What the writer, what the poet means is meaning to say by expressing all these things. The poet has successfully used humor to be able to tell or identify wild animals. How do you think we need lots of it in our daily life? अब poet ने यहाँ पे very successfully humor को use किया है tell या identify wild animal करने के लिए. तो आपको क्या लगता है इस चीज की हमें अपने life में कितनी जरूरत है? In our daily life हमें इसकी कितनी जरूरत है? Humor is the fuel of life. Without it, it would become difficult to continue living. ह्यूमर के बिना जीना, सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होगा. टुडे द लाइफ ऑफ द कॉमन मैन इज टिपिकली मायर्ड इन स्ट्रेस. आज जो कॉमन लाइफ, कॉमन लोगों की लाइफ है, वो स्ट्रेस, टेंशन, प्रॉब्लम, सैडनेस, डिप्रेशन, इन सब में भरी हुई है. इट इज अमेजिंग हाउ द स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम्स में टेक ऑन एपिक प्रोपोर्शंस फॉर अ कॉमन पर्सन. ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ये बहुत ही ज्यादा अम्यूजिंग होगा कैसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को भी ऐसे ही ह्यूमरस वे में लोग अपने लाइफ में लें. इन सच अ सिचुएशन इट बिकम्स नेसेसरी टू हैव अ लिटिल ह्यूमर इन लाइफ. इट गिव्स अस दिस मच नीडेड रिस्पाइट फ्रॉम आवर मोनोटोनस रूटीन एंड हेल्प्स अस फेस लाइफ मोर पॉजिटिवली. थोड़ा तो ह्यूमर अपने लाइफ में जरूरत होता है जिससे
पॉजिटिविटी, देर बिकम्स अ स्पेस ऑफ पॉजिटिविटी एंड एक वो जो टिपिकल रूटीन चलता हुआ रहता है उससे एक थोड़ा ब्रेक चाहिए. वी नीड अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग. ओके, दस द पोएटेस सक्सेसफुल यूज ऑफ ह्यूमर हेल्प्स लिविंग इन आवर माइंड्स एंड ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन आवर फेसेस. Every animal is unique and has some special characteristics. What tricks does the poet adopt in distinguishing various wild animals? Now, हर animal एक दूसरे से बहुत अलग है और हर animal की अपनी कोई special features होते हैं. In this poetry, कौन से tricks use किए हैं poet ने to distinguish among various wild animals? So, there is no doubt every animal is unique. Every wild animal has his own special trait, color, size and characteristics. The Asian lion is found in the jungles of the eastern regions. Ab yahan pe har animal ka bare mein description hai. How she is distinguished various wild animals. Theek hai? So, beginning with Asian lion. कहाँ पे मिलते हैं वो? इन द जंगल्स ऑफ ईस्टर्न रीजन्स. इट इज अ ह्यूज एंड माइटी क्रीचर विद ब्राउनिश हाइड, विद ब्राउनिश स्किन. हाइड इज स्किन. हिज रोर इज इनफ टू टेरराइज अ पर्सन टू डेथ. नाउ दिस एशियन लायन, इस एशियन लायन का रोर ही काफी है एक पर्सन को इतना डरा देने की उसकी उससे मौत हो सकती है. टेररराइज अ पर्सन टू डेथ. द बंगाल टाइगर इज अ नोबल एंड इम्प्रेसिव वाइल्ड एनिमल. He has yellowish hide and black stripes all over it. वहीं जो बंगाल टाइगर है वो बहुत ही नोबल, बहुत ही रॉयल और बहुत ही इम्प्रेसिव वाइल्ड एनिमल है. उसकी येलोइश हाइड है, अगेन येलोइश स्किन है एंड ब्लैक स्ट्राइप्स है ऑल ओवर द येलो स्किन. द लेपर्ड हैज डार्क स्पॉट्स ऑल ओवर हिज बॉडी. और वहीं जो लेपर्ड है ओवर द होल बॉडी डार्क ब्लैक स्पॉट्स हैं. ही इज वेरी, आपके पोइट्री में है, ही इज पेपर्ड. लेपर्ड इज पेपर्ड, राइम बनाने के लिए है ना. ही इज वेरी एजाइल, वेरी क्विक. एजाइल इज क्विक, बहुत क्विक है लेपर्ड. द मोमेंट ही सीज इट्स प्रे ही पाउंसेस अपॉन इट विदाउट शोइंग एनी मर्सी. जैसे राजीव सर पे पाउंस कर दिया था लेपर्ड ने, है ना. जैसे ही एक लेपर्ड अपने प्रे, अपने शिकार को देखता है, मैं क्या एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे ही एक लेपर्ड अपने शिकार को देखता है वो अपने शिकार पे कूद पड़ता है विदाउट शोइंग एनी मर्सी. बिल्कुल कोई दया नहीं दिखाते वो अपने शिकार पे कूद पड़ता है. द बेयर इज नोन बाय हिज स्ट्रॉन्ग एंड टाइट हग. बेयर वही जाना जाता है अपनी स्ट्रॉन्ग और जोर की झप्पी के लिए. It becomes rather difficult for a novice to distinguish among wild animals. अगर कोई नया person होगा, कोई immature person है, तो उसे इन सारे animals के बीच में distinguish करना बहुत मुश्किल हो सकता है. However, hyenas and crocodiles can be easily recognized. जो भी है, hyenas और crocodiles को तो बहुत easily आप पहचान सकते हो. Hyenas come smiling merrily while crocodiles appear to be weeping. हाइनास के मुंह पे हमेशा एक स्माइल रहती है, खुशी खुशी स्माइल करते हुए रहते हैं एंड क्रोकोडाइल्स अपीयर टू बी क्राइंग, वीपिंग. द चमेलियन इज अ स्मॉल क्रीचर लाइक अ लिजर्ड. ही हैज नो इयर्स एंड डजंट इवन हैव अ सिंगल विंग. यू कैन फाइंड हिम सिटिंग ऑन अ ट्री. और वहीं एक चमेलियन, वो कैसे होता है? वो एक स्मॉल क्रीचर है, लिजर्ड के जैसा शेप बॉडी होता है, जिसके ना कोई कान है ना कोई एक भी सिंगल विंग है एंड आप एक लिजर्ड को किसी ट्री पे बैठा हुआ पा सकते हो. सो इन दिस पोएट्री व्हाट यू हैव डन, यू हैव इन दिस आंसर यू हैव गिवन ईच एनिमल्स डिस्क्रिप्शन द वे पोएट हैज गिवन. ओके, अमांडा. कितने लोगों को अमांडा पोएट्री पता है? ओके, What do you learn from the poem Amanda? आप क्या सीखते हो from this poetry? इसमें कोई सीखने वाली बात है? बहुत important बात है बच्चों के लिए सीखने की. The poem Amanda teaches us that children tend to learn bad habits. Any child cannot be taught in one day. Amanda poetry से ये समझ में आता है कि children बहुत जल्दी, बच्चे बहुत जल्दी bad habits सीख लेते हैं. किसी भी बच्चे को आप एक दिन में कुछ भी सिखा सकते नहीं हो. It is natural for a child like Amanda to seek freedom.
अमेंडा जैसा कोई भी बच्चा होगा, उसके एज ग्रुप में कोई भी बच्चा होगा, उसको फ्रीडम की बहुत तड़प होगी, ये बहुत नेचुरल है. पेरेंट्स हु आर जजिंग देयर चिल्ड्रन एवरी टाइम वुड डू मोर हार्म देन गुड. अब वो पेरेंट्स जो हमेशा अपने बच्चे को जज करते रहते हैं, हमेशा नैग करते रहते हैं, हमेशा पीछे पड़े रहते हैं, वो अपने बच्चों का भला करने की बजाय वो बुरा कर रहे हैं अननोइंगली. शी इज करेक्टेड एवरी टाइम बाय हर पेरेंट्स. वी विटनेस मिजरेबल फेलियर ऑफ पेरेंट्स व्हेन अमांडा विशेस टू बी एन ऑर्फन सो दैट शी कुड बी फ्री. दिस इज द मोस्ट डिप्रेसिंग लाइन, मोस्ट सैड लाइन यू कैन से, जहाँ पे अमांडा विशेस टू बी एन ऑर्फन because of the daily nagging and complaining and judging. जो पेरेंट उसकी मम्मी हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती है, हमेशा उसको नैग कर रही है, कंप्लेन कर रही है. तो हर विश टू बी एन ऑर्फन प्रूव्स टू बी द मोस्ट डिस्टर्बिंग लाइन ऑफ दिस पोइट्री, कि काश मैं अनाथ होती तब तो शायद मैं फ्री होती, जो अब मैं नहीं हूँ. ओके so they must do it carefully. yes yes Ranesh, read the code given below carefully based on your understanding of the poem. explain how and why this code can be applied to the poem. all grown ups were once children but only a few of them remember it. ab now with in context with the poetry aapko is sentence ko, is statement ko samjhana hai aur batana hai कि कैसे और क्यों ये कोड पोइट्री पे अप्लाई होती है, कि सारे ग्रोन अप्स, सारे बड़े जो हो चुके हैं वो कभी ना कभी तो छोटे थे, लेकिन ये बात आज कुछ ही लोग याद रखे, कुछ ही लोगों को याद है, सबको याद नहीं है कि हम भी कभी बच्चे थे यार, हम भी कभी बच्चे थे, हम भी कभी ऐसी शैतानी करते थे, हम भी कभी ऐसी मनमानी करते थे. दिस कोड कैन परफेक्टली बी अप्लाइड टू poem Amanda because it's a fact that what all children do has been already done by their parents when they were kids. ye quote ek fact hai aur perfectly Amanda pe apply ho sakta hai on this poetry because it states ki parents aaj jo cheeze aapko karne se mana kar rahe hain maybe unhone bhi apne bachpan mein wohi sari cheeze ki hui hain. we all go through the same stages of infancy, childhood, teenage and finally an adult. सब लोग इन सारे स्टेजेस से तो गुजरते ही हैं, कोई भी डायरेक्टली एक अडल्ट नहीं बन जाता है. इन्फेंसी, सब लोग एक न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, देन कम्स द टॉडलरहुड, देन द चाइल्डहुड, देन द टीनेज, देन अडल्टहुड. वॉट ऑल पेरेंट्स शुड रिमेंबर इज दैट दे शुड गिव देयर चाइल्ड द सेम फ्रीडम एंड प्रिवेसी इन लाइफ एज दे देमसेल्व्स वांटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स इन चाइल्डहुड. द मेन थिंग इज दैट द पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड कि जैसा उनको अपने बचपन में प्रिवेसी और थोड़ा फ्रीडम चाहिए था अपने पेरेंट्स से, वैसे ही उनके जो बच्चे हैं दे टू नीड द सेम प्रिवेसी एंड फ्रीडम इन देयर लाइफ फ्रॉम देयर पेरेंट्स. पेरेंट्स ऑफन टेंड टू फॉरगेट दैट अ चाइल्ड इज अ चाइल्ड, शी ही मेक्स मिस्टेक्स और बिहेव एट टाइम्स, मिसबिहेव एट टाइम्स. बच्चे तो बच्चे हैं, वो कभी ना कभी कुछ गलती करेंगे, कुछ मिसबिहेव करेंगे, तो समटाइम्स दे नीड टू बी फॉरगिवन. okay, however forced advices and constant nagging will only make a child defiant. hamesha aap usko nag karte raho, uske piche pade raho, complain karo, advices dete raho zabardasti, wo bacche ko defiant bana deta hai, bacche ko aapke against kar deta hai. theek hai, rather parents should try and build a friendly relationship. ye sab karne ki bajaye parents should can build a friendly relationship अपने बच्चों के साथ और उनको sufficient freedom दे सकते हैं to live life on their own. as a parent myself I think कि थोड़ी तो freedom मिलनी चाहिए, नहीं तो बच्चे आप, your children should be your friends. okay, children should feel कि मैं अपने parents के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ share कर सकता हूँ, इनके साथ बातें कर सकता हूँ. ये नहीं कि मम्मी को बताऊंगा तो मम्मी मुझे और भी झाड़ेगी, मम्मी मुझे डांटेगी, नॉट लाइक दैट. ओके, नेक्स्ट इज द ट्रीज. व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द ट्रीज. पोएट्स नेम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. इफ यू कैन रिमेम्बर द नेम्स निखिल पनेरू, इफ यू कैन रिमेम्बर द नेम्स, इफ यू कैन एड द नेम्स इन योर पोएट्री इन योर आंसर इट इज गुड. इफ यू वोंट that also will be fine. your answer matters the most. okay.
Okay, next is the poetry, the trees. What is the central idea of the poem, The Trees? The poem, The Trees, states that in the conflict between man and nature, man has caused much harm to nature. हम सब इस बात पे यकीन करते हैं दैट इन दिस पोएट्री द ट्रीज स्टेट्स कि एक कन्फ्लिक्ट है बिटवीन मैन एंड नेचर, और इस कन्फ्लिक्ट में मैन ने नेचर को बहुत हार्म प्रोवाइड किया हुआ है. मैन हैज लर्न टू अक्वायर अ लॉट ऑफ मटेरियल गुड्स बट फॉरगॉटन द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर एंड लार्ज फॉरेस्ट हैव बीन कट डाउन. द मेन एम हियर इज अबाउट ट्रीज, अबाउट फॉरेस्ट, अबाउट नेचर. तो मैन ने बहुत समझ लिया है हाउ टू अक्वायर मटेरियल गुड्स, बट भूल चुके हैं कि फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस क्या है, नेचर का इम्पोर्टेंस क्या है, और इस वजह से लार्ज फॉरेस्ट हैव बीन कट डाउन, एनिमल्स हैव बीन किल्ड एंड वाटर बॉडीज हैव बीन डिस्ट्रॉयड. एनिमल्स को मारा गया है और वाटर बॉडीज को डिस्ट्रॉय किया गया है जस्ट टू एक्वायर दैट फॉरेस्ट एरिया, दैट एरिया वेयर द ट्रीज यूज टू सर्वाइव एट टाइम. मैन हैज जज्ड नेचर रॉन्गली टू बी वीक. मैन ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, नेचर को जज कर दिया है एज टू बी वीक, वेयर एज नेचर इज द मोस्ट पावरफुल. बट मैन डजंट नो दैट नेचर इज द मोस्ट पावरफुल. एनी नेचुरल डिजास्टर कैन नॉट बी प्रिवेंटेड दो वी आर मूविंग इन अ टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड वर्ल्ड. सारे नेचुरल डिजास्टर से हम बच नहीं सकते, भले ही वी थिंक कि हमारे पास सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, हम सब चीज़ों का सोल्यूशन निकाल लेंगे, बट एवरी डिजास्टर वी डू नॉट हैव द सोल्यूशन फॉर एवरी डिजास्टर. द डिस्ट्रक्टिव फॉर्म्स ऑफ नेचर, फॉर एग्जाम्पल फ्लड, अर्थक्वेक, वॉल्केनोज, टॉर्नेडोज एक्सेट्रा, टीच मैन दैट द रियल पावर लाइज विथ नेचर एंड इट कैन डू एनीथिंग. अभी ये जो रियल फॉर्म्स ऑफ नेचर है, डिस्ट्रक्टिव फॉर्म्स ऑफ नेचर है, कौन से हैं? फ्लड, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, टोर्नेडो, सुनामी एंड थिंग्स लाइक दिस एक्सेट्रा. ये ह्यूमंस को सिखाती है, ये इंसान को सिखाती है कि रियल पावर आज भी किसके हाथ में है? नेचर के हाथ में है, और हम इसका कुछ भी बिगाड़ सकते नहीं है. ठीक है. The trees have been shown to have human qualities in the poem. Justify the statement with any two instances from the text. The trees have shown some human qualities in the poem. The way they struggle to get themselves. Now, इस चीज पे ध्यान देना. Trees की क्या human qualities दिखाई हैं in this poetry? Human qualities where they the struggle is shown. The struggle to get themselves free from the boundary of the house is similar to the struggle of the oppressed people who are deprived of their freedom. यहाँ पे trees are compared to women. In this poetry, the poet is also a woman. ठीक है, the woman अपने आप को as a tree resemble करती है, और वो कहती है कि ट्री बहुत स्ट्रगल कर रहा है अपने इस कन्फाइंड बाउंड्री में से निकलने के लिए बाहर. जैसे वो बाहर निकल रहा है, द विंडो इज गेटिंग शैटर्ड, सब कुछ टूट फूट रहा है. ठीक है, देर आर क्रैक्स. सिमिलरली द ट्रीज डिड नॉट गिव अप व्हेन एनस्लेव्ड एंड वर डिटरमाइंड लाइक ह्यूमंस टू गेट द फ्रीडम. जैसे ह्यूमंस अपने ऑप्रेस्ड सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, वैसे ही ट्रीज भी एनस्लेव्ड होने की गवाही नहीं देते. दे आर ऑल्सो डिटरमाइंड लाइक ह्यूमंस कि हमें भी फ्रीडम चाहिए. Humans to fight till end and finally win. Humans भी एंड तक लड़ते हैं, finally जीत जाते हैं. Trees का भी वही होगा. In the poem, trees, where are the trees? What are their roots, twigs, etc. trying to do? In the poem, trees, the trees are inside the house. Now, according to this poem, the trees are inside the house and not in the forest. The trees are inside the house. The roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. आपका आगे का क्वेश्चन है कि roots, twigs, etc. क्या करने की कोशिश कर रही हैं? तो जो roots है वो अपने आप को disengage करने की कोशिश कर रही हैं from the floor, from the ground. While the tree struggles to get out of the house, it leaves strain towards the glass. अब ट्री जब बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, उसके जो ब्रांचेस है उसकी वजह से क्या हो रहा है? जो ग्लास विंडोज है वो शैटर हो रही हैं. द स्मॉल ट्विग्स एंड बोस ट्राई टू मूव टुवर्ड्स द डोर व्हाइल दे स्ट्रगल टू बी फ्रीड. एंड द स्मॉल ट्विग्स एंड बोस दे आर ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स द डोर ऑफ दैट हाउस टू फ्री देमसेल्व्स. यस,
टाइगर इन द जू के जैसे ही है, बस वहां पे टाइगर इज देयर इन द जू, यहाँ पे ट्री इज देयर इन द हाउस. ब्रेवरी एंड द ट्री हियर इज कंपेयर टू अ वुमन. डू नॉट फॉरगेट द ट्री हियर इज कंपेयर टू अ वुमन. ओके चंदन रेड्डी. ब्रेवरी इज स्पॉन्टेनियस, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द पोएम. ब्रेवरी स्पॉन्टेनियस मतलब इट इज क्विक, इट कम्स सडनली. अब रेफरेंस टू द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन बताना है. जैसे यहाँ पे कस्टर्ड द ड्रैगन था, ब्रेवरी कैसे आया, जैसे उसने पैरेट अपने सामने देखा. अभी तक वो अपने आपको कावर्ड बोलता था, लेकिन जैसे पैरेट देखा ही वॉज क्विक टू शो हिज करेज, टू शो हिज ब्रेवरी. ओके ही वॉज स्पॉन्टेनियस इन दैट एक्शन. Custard was truly brave and did not boast like Belinda and her other pets. Custard सच में brave था, सच में courageous था. उसने अपने bravery की बिल्कुल भी boasting नहीं की like Belinda and the other pets. Custard had the courage to face real danger. Custard के पास हिम्मत था, courage था real danger को face करने का. और वहीं everyone जो लोग अपने courage का boast कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे, खुद के तारीफों के पुल बांध रहे थे, वो सब लोग यहाँ वहाँ जाके छुप गए थे. Whereas everyone only boasted of their bravery, Custard faced the pirate and killed him. It was Custard who faced the pirate and killed him, saved everyone else from his he could harm them. He saved everyone from him. Pirate and killed him and he proved it by not running away. Bravery and courage are qualities which are exhibited when someone actually faces a dangerous situation. Bravery and courage ये ऐसी qualities है जो किसी की तभी दिखती है जब कोई सच में कोई dangerous situation में पड़ा हो. At such situations only आप किसी की bravery, किसी की बहादुरी देख सकते हो. These qualities are spontaneous, taking the example of custard. The poet could have included a burglar or an intruder in the poem, but chose to include a pirate, justify this choice. अब in this poetry, poet किसी चोर को भी, किसी intruder को भी इस poem में डाल सकता था at the place of the pirate. Why did the poet choose the burglar? एक चोर ही क्यों चुना poet ने? What could be the possible reason? The poet chose a pirate over any burglar or a thief because a pirate looks evil and nasty. ज्यादा बर्गलर इंट्रूडर से ज्यादा खतरनाक, ज्यादा डरावना, ज्यादा डेंजरस एक पायरेट नजर आता है. ठीक है, इसीलिए द पोएट यूज्ड टू एक्सप्रेस मोर फियर, ज्यादा डर दिखाने के लिए. कोई उसको देखेगा तो ज्यादा डरेगा कंपेयर टू दीज पीपल. द वे हिज लेग क्रिपल्ड एज वन ऑफ देम वॉज अ वुड, जिस उसका अपियरेंस भी बताया था कि वन लेग वॉज क्रिपल्ड, एक लेग उसका वुड का था. एक हाथ रियल था, नहीं, हैंड इन बोथ द पिस्टल, पिस्टल इन बोथ द हैंड्स एंड अ कटलस बिटवीन हिज टीथ वॉज कैरियर देन अ बर्गलर. एंड कटलस इज अ, कटलस क्या होता है, एक डैगर के जैसा होता है. ठीक है, लाइक अ डैगर, इट्स लाइक अ डैगर, छोटा सा चाकू, लाइक अ खंजर. ठीक है, वो उसने अपने मुंह में दबा कर रखा था, दोनों हाथों में पिस्टल थी, एक पैर असली था, एक पैर नकली था, मेड ऑफ वुड. तो ये जो अपीयरेंस था ऑफ अ पायरेट, दैट वाज मोर स्कैरी, दैट्स व्हाई द पोएट चोज हियर द पायरेट इंस्टेड ऑफ अ बर्गलर और एन इंट्रूडर. ब्लेज प्लेज हमने कल ही कर लिया है. फर्स्ट फ्लाइट के हम लोग के बाकी के क्वेश्चन अभी हुए, प्रीवियस टू दिस हो गए. Custard was discriminated against, bullied and made fun of. Now, Custard के खिलाफ बहुत discrimination हुआ, उसको bully किया गया था, बाकी उसके जो co-pets थे उन्होंने bully किया था and उसका बहुत मजाक भी उड़ाया. Such behavior often has a disastrous impact on the victims and etches a permanent scar on their minds. कई बार अगर आप इसकी जगह पे कोई human को लो तो उनके दिमाग पे, अगर कोई छोटा बच्चा है उनके दिमाग पे बहुत असर होता है और बहुत टाइम तक ये चीज रह जाती है. हाउ ही वॉज बुलीड, हाउ ही वॉज मेड फन ऑफ. ठीक है, राइट ओपिनियंस ऑफ एन एंड मंडेला ऑन दिस इशू. जैसे कस्टर्ड को बुली किया गया है और उसको परेशान किया गया है, एन और मंडेला के थॉट्स लिखो
ऑन दिस इशू, यू कैन स्टार्ट योर आंसर लाइक दिस. आपको एक सैंपल दिया है, आप इसके साथ बिगिन कर सकते हो. आपको एग्जाम में भी अगर आएगा तो आप इसके साथ बिगिन कर सकते हो, एंड इट वुड बी सेफ कि आप इसके साथ बिगिन करो. एंड इन माई पर्सनल ओपिनियन मंडेला, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट, ठीक है, यू कैन बिगिन विद दीज phrases. In my opinion, bullying and teasing can leave a person depressed for life. One might never get his or her self-confidence back. The mocking which seems fun to the doer might destroy the victim's positive mindset. The world is full of evil people. ठीक है, यहाँ तक एन ने बोला है about the problems. क्या हो सकता है उन विक्टिम्स के साथ में जो ये सब चीजें फेस कर रहे हैं. नेल्सन मंडेला, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट नोबडी ऑन दिस प्लैनेट इज बॉर्न फुल ऑफ हेट. ही सेज कि हर कोई, विच ही एक्चुअली सेज इन हिज चैप्टर, इन हिज स्टोरी, हमने जो पढ़ा है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, वो ऐसा बोलते हैं कि हर एक इंसान इज नॉट बॉर्न विथ हार्ट फुल ऑफ हेट्रेड. हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं अ फीलिंग ऑफ लव है, ठीक है. इट्स जस्ट द सराउंडिंग्स दैट मेक अ पर्सन बैड. हाउएवर, यू एब्सोल्युटली राइट दैट इवन अ स्मॉल इंस्टेंस ऑफ इविल, ऑपरेशन और हेट्रेड अगेंस्ट एनीवन माइट लीव देम स्कार्ड फॉर लाइफ. एंड यस सर, आई होप पीपल समडे विल अंडरस्टैंड दिस एंड ट्राई टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव. ओके, नेक्स्ट फॉर एन ग्रेगरी. इज इट राइट टू जज समवन ऑन द बेसिस ऑफ हिज हर फिजिकल अपीयरेंस? इलैबोरेट. क्या ये सही है किसी को जज किया जाए उसके फिजिकल अपीयरेंस पे? इस बात को आपको और इलैबोरेट करना है. ओके, प्रतिमा मौर्य ने भेजा, इन माय ओपिनियन कस्टर्ड शुड कन्फ्रंट हिज बुलीज एज व्हाट दे वर डूइंग वाज रॉन्ग. ओके, आपको जहां पे कन्वर्सेशन फॉर्म करने बोला है आप कन्वर्सेशन फॉर्म करोगे, राइट? ओपिनियंस ऑफ एन एंड मंडेला ऑन दिस इशू. यहाँ पे आपने क्या है, ये एक्चुअली कन्वर्सेशन नहीं है, आपने ओपिनियन बताई है. एन की ओपिनियन ये है, मंडेला की ओपिनियन ये है. ओके, दिस इज नॉट एग्जैक्टली कन्वर्सेशन. इज इट राइट टू जज समवन ऑन द बेसिस? यस अक्षय खान, यस यू कैन राइट द थीम ऑफ द पोएम. यस, इज इट राइट टू जज समवन ऑन द बेसिस ऑफ हिज हर फिजिकल अपीयरेंस? इलैबोरेट. एन ग्रेगरी में क्या है, हर येलो हेयर. एन ग्रेगरी येलो हेयर, रिमेंबर विद दैट. उसके येलो हेयर के ऊपर उसको बहुत बोला जाता है. पोएट उसको अलर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि डोंट मेक अ फूल ऑफ योरसेल्फ. किसी भी पर्सन को अपना लाइफ देके अपना बेवकूफ, खुद को बेवकूफ मत बनाना, क्योंकि लोग तुमको तुम्हारे लिए प्यार नहीं करेंगे. दे विल लव यू फॉर योर येलो हेयर. तो क्या ये सही है किसी को उसके फिजिकल अपीयरेंस पे जज करना? फिजिकल अपीयरेंस अलोन कैन नॉट गिव द ट्रू अकाउंट ऑफ अ पर्सन, एज वी कैन चेंज इट थ्रू क्लोदिंग, मेकअप एक्सेट्रा. नेवर गो ऑन एनीवन्स फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है. फिजिकल अपीयरेंस भी किसी का एक काफ़ी नहीं है किसी के बारे में सब कुछ समझने के लिए, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस कभी भी बदल सकता है. कपड़े बदल गए, मेकअप चेंज हो गया, बहुत अच्छा मेकअप हो गया, फिजिकल अपीयरेंस इजीली चेंज हो सकता है. ए पर्सन कैन बी जज ऑन द बेसिस ऑफ हिज बिहेवियर विच शो द ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज पर्सनैलिटी. No, it's definitely not right to judge someone on the basis of their appearance, as it is only temporary. One should always look for inner beauty, because that's what makes a person really beautiful. Very good, Pratima. Very good. Because, Prakash, why are females compared in the trees? Because female, the poet of that poetry is a female, and she feels herself to be confined. And in that thought, with that mindset, she's written that poetry that she resembles with the trees, and she's feeling ki jaise ek tree ko apni jagah chhod ke agar jana hoga to kaise dikkat hogi, kya kya hoga, usi cheez ko unhone express kiya hai for a woman. Okay, okay, Prakash. This is depicted by Anne in her reply to the first speaker, that her beautiful hair color is changeable. एन ने वही चीज बोली है कि जो उसका ब्यूटीफुल हेयर कलर है, हेयर कलर की वजह से उसको लोग पसंद करेंगे. तो शी कैन चेंज अ हेयर कलर, दैट इज चेंजेबल, दैट इज टेम्पररी, शी कैन चेंज इट एनी टाइम शी वॉन्ट्स. मेन शुड नॉट फॉल इन लव जस्ट लुकिंग एट द फिजिकल अपियरेंस.
Next, just as a love for outer appearance is not true love, love for the sake of money is not true love either. ये दोनों सेम चीजें हैं, जैसे सिर्फ फिजिकल अपियरेंस पे आप किसी से प्यार करते हो, आपने ये कहा, ये सच बात नहीं है. किसी को बस चेहरा देख लिया, बहुत सुंदर है, बॉडी बहुत अच्छी है, आई लाइक दिस गर्ल, आई लाइक दिस बॉय, बस सिर्फ फिजिकल अपियरेंस देख लिया, उससे यू से दैट आई लाइक दिस बॉय, आई लाइक दिस गर्ल, दिस इज नॉट लव इन रियल सेंस. वैसे ही फॉर द सेक ऑफ मनी इफ यू से ये बहुत पैसे वाला है, ये बहुत पैसे वाली है, आई लव दिस पर्सन, दैट इज ऑल्सो नॉट राइट, दैट इज ऑल्सो नॉट लव. ओके, पेन डाइनो डायलॉग बिटवीन, डायलॉग एक्सचेंज बिटवीन एन ग्रेगरी एंड एनी कैरेक्टर फ्रॉम द प्रपोजल वेर एन ट्राइज टू एक्सप्लेन हाउ लविंग अदर्स सिंपली फॉर हु दे आर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्च्यू दैट एवरी वन मस्ट पोजेस. सो यहाँ पे एन और नटालिया के बीच में कन्वर्जेशन है. यू आर आस्ट कि एन ग्रेगरी और द प्रपोजल में से किसी भी एक कैरेक्टर, कोई भी एनी कैरेक्टर यू कैन चूज फ्रॉम दैट प्ले एंड यू कैन राइट अ डायलॉग, डायलॉग एक्सचेंज बनाना है. यहाँ पे यू आर क्लियरली आस्ट टू पेन डाउन अ डायलॉग एक्सचेंज बिटवीन एन ग्रेगरी एंड एनी कैरेक्टर फ्रॉम द प्रपोजल. सो एन ग्रेगरी सेज, हे आई थिंक यू शुडंट मैरी लोमो फॉर हिज मनी, बिकॉज नटालिया वॉज जस्ट मैरिंग लोमो फॉर हिज मनी. ठीक है, तो एन ग्रेगरी सजेस्ट हर कि तुम्हें सिर्फ लोमोव के पैसे के लिए उससे शादी नहीं करनी चाहिए, वो रियल लव या वो लव नहीं है माय डियर, दैट इज सेल्फिशनेस. ट्रू लव इज एंटायरली बेस्ड ऑन अ पर्सन इनर ब्यूटी, नॉट ऑन एनी फिजिकल और सोशल एट्रीब्यूट. नटालिया, Natalia says, well, the property of Oxen Meadows, which he claims to be his, is actually ours. And so it's not his money. It is already mine. However, I still feel that money is an important factor in marriage. If there is no money with that person, you can't love him, as it won't last long. So Natalia is saying that अगर जहाँ तक प्रॉपर्टी की बात है, ऑक्सन मेडोज के लिए मैं उससे शादी करी हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. ऑक्सन मेडोज ऑलरेडी मेरा है, मुझे ऑक्सन मेडोज की टेंशन लेके उससे शादी करने की जरूरत नहीं है. और जहाँ तक पैसे की बात है, मुझे अभी भी ऐसा लगता है मनी इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन मैरिज. पैसे के शादी के लिए पैसा होना बहुत ज़रूरी है. देखो, आप फिर से मैं आपको बोल रही हूँ, आपको जो भी डायलॉग क्रिएशन करना है वो आपको कैरेक्टर के फीचर्स को ध्यान में रखते हुए करना होगा. ये कैरेक्टर कैसा है नटालिया का, जो पैसे के बारे में सोचता है. अभी आप यहाँ पे नटालिया को बहुत सीधा बना दोगे तो नहीं चलेगा. जो यहाँ पे नटालिया के बारे में लिखा है, इट्स वेरी ट्रू, वो ये एक्सेप्ट कर रही है, शी इज अग्रीइंग कि पैसा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन मनी. अगर पैसा नहीं होगा तो आप पर्सन के साथ ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकते हो. दिस इज व्हाट हर ओपिनियन इज अकॉर्डिंग टू हर कैरेक्टर बिल्डअप इन द प्रपोजल. ओके, एन ग्रेगरी देन सेज, ओ दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग नटालिया, एनी रिलेशन कैन वर्क only work forever if it's based on true feelings. Money or beauty can't guarantee a healthy love relationship. Anne अपनी बात कर रही है कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है नटालिया, कोई भी रिलेशन forever चल सकता है अगर वो true feelings पे है तो. ठीक है, सिर्फ money और beauty तुमको healthy love relationship guarantee करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. Why do you think the other speaker mentioned the old religious man and the text that proves that only God can love Anne for herself alone? अभी आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो दूसरे स्पीकर थे, जो जिनके साथ एन ग्रेगरी का बात चल रहा था, दैट अदर स्पीकर, व्हाई वाज ही सेइंग दैट ओल्ड रिलीजियस मैन ने एक टेक्स्ट बताया दैट प्रूव दैट ओनली गॉड कैन लव एन और अ पर्सन फॉर हरसेल्फ अलोन. It is so because the speaker wanted to tell Anne that her desire that men should not see her outer beauty is not going to be fulfilled. Anne wants कि men उसकी outer beauty को ना देखे, उसकी inner beauty को देख के उसको पसंद करें. तो speaker ये बोल रहे हैं, उसको ये पूरा बताना चाहते हैं कि Anne, ऐसे बहुत कम men होंगे जो आउटर ब्यूटी को नहीं, आउटर ब्यूटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इनर ब्यूटी को नहीं. ठीक है, दैट मैन शुड नॉट सी हर आउटर ब्यूटी. ही इज ऑल्सो सजेस्टिंग कि मैन शुड नॉट सी योर आउटर ब्यूटी एंड दे शुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन. द स्पीकर टेल्स एन दैट ओनली गॉड कैन बी सो ग्रेट एज टू अवॉइड एक्सटर्नल ब्यूटी एंड लुक बियॉन्ड इट.
और वो आगे एक और इम्पोर्टेंट मैसेज ये दे रहे हैं कि गॉड इज दैट ओनली वन जो आपको फॉर योर एक्सटर्नल ब्यूटी आपसे प्यार करेंगे एंड आपको उसके लिए ही इम्पोर्टेंस देंगे. मैन ऑन द अदर हैंड फॉल्स फॉर ऑल थिंग्स दैट अपीयर प्रिटी फ्रॉम आउटसाइड एंड नेवर बॉदर्स फॉर व्हाट लाइज इनसाइड. और मैन वहीं पे ऑपोजिट है गॉड के कि जो आउटर ब्यूटी आउटर अपीयरेंस है उसके लिए दे फॉल फॉर बट दे डोंट थिंक व्हाट द रियल पर्सन इज व्हाट द रियल पर्सन इज. ओके लेकिन एन के पास भी उसके लिए सोल्यूशन है. शी सेज अच्छा मेरी आउटर ब्यूटी इज द रीजन तो मैं अपने बालों का कलर चेंज कर लूंगी फिर मैं देखती हूँ व्हाट द थिंग विल बी. ओके विद दिस हमारे सारे पोइट्रीज एंड होते हैं. ओके व्हाट विल बी द सब्जेक्ट व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड और एंड व्हाट इफ दे आर जॉइंड बाय एज वेल एज इन एडिशन टू. एंड से दो सब्जेक्ट्स अगर जॉइंड है आपके सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड में आएगा. अगर एंड से दो सब्जेक्ट्स जॉइंड है जो डिफरेंट टू इंडिविजुअल्स है टू डिफरेंट पर्सन है टू डिफरेंट नाउन्स है तो टू डिफरेंट यूनिट्स हो गए वो उन दोनों को आप मिला नहीं सकते तो दे विल बी प्लूरल्स जी एन जी टेक. और है तो मतलब दोनों में से कोई एक मतलब इट इज सिंगुलर. ओके ओके लेट अस गो. अभी थोड़ी देर के बाद आफ्टर सम टाइम वील बी कंडक्टिंग अ सैम्पल पेपर सॉल्विंग सेशन. ठीक है एक ब्रेक लेते हैं थोड़ी देर के बाद मिलेंगे एंड वील बी सॉल्विंग सैम्पल पेपर क्वेश्चंस. ठीक है एवरीवन बाय बाय मीट यू इन सम टाइम.